हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ लॉन्ग टू शॉर्ट, लॉन्ग टू वेरी शॉर्ट बॉब हेयर कट ईयर लेंथ। तो किस तरीके से करना है सब कुछ, जो भी जिसके भी बाल कट किए हैं उनके बाल कम से कम मेरे बराबर हैं और यहाँ तक कट किया हुआ है, तो किस तरीके से कट किया पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, सेकेंड चैनल पर जरूर जाइए, वहाँ पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आज है सोमवार और आज मैंने रखा है फास्ट यानी कि व्रत, और मैं गई थी मंदिर और अभी अभी आई हूँ। फिर मुझे याद आया कि मुझे वीडियो शूट करना है, तो मैंने वीडियो पहले से शूट करके रखा हेयर कटिंग का, उसमें एडिटिंग करके बस अपलोड करूँगी आवाज़ एडिट करके, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। साउंड म्यूजिक डालने के बाद से सब कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं अपनी आवाज़ में पूरा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊँगी और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और चलिए बताते हैं कौन है, किसके बाल कट कर रही हूँ, सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी बेटी जो अभी नहा के आई है और फिर से नहाना पड़ेगा क्योंकि मेरी कटिंग सीट मिल नहीं रही है। तो विदाउट कटिंग सीट मैं कटिंग करने वाली हूँ और आप लोग के बहुत सारे कमेंट भी आने वाले हैं कि विदाउट कटिंग सीट आपने बच्ची के बाल कट कर दिए, ये वो धींगड़ा, तो जिसके वजह से बच्ची के गर्दन पे बाल चुभ रहे हैं। तो मैं इसको बाल कट करते ही तुरंत नहला दिया था मैंने, जिससे इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले, अगर इतने लंबे बाल हो गए हैं और आपको कट करना है, बच्चों के बाल बहुत सुंदर कटिंग आई है, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड डे बाई डे मेरे चैनल पर जा रही है, तो आप जाकर चेकआउट जरूर कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो इस तरीके से आपको सेंटर पार्टीशन कर लेना है बालों का दोनों तरफ से, और आपको एकदम ईयर लेंथ में यहाँ पे कट करके दिखा रही हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी, तो प्लीज़ मेरे लुक पे मत जाइएगा, आप हट कटिंग पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ से इस तरीके से बालों को लिया है मैंने और एकदम कान के पास से इस तरीके से फिंगर में बालों को, हाफ बालों को पकड़ लिया है। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान से दिख रहा होगा अच्छे से वीडियो में। ओके, अब आपको सीजर लेना है, इस तरीके से पकड़ के जहाँ से आपको लेंथ कट करनी है उतना पकड़ लेना है, और बाद में कट करते करते और छोटा होगा, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत दिनों से आपके हेयर कट की डिमांड आई थी और मुझे भी अपना हेयर कट करना है, तो आप लोग थोड़ा हेयर कट की पिक्स वगैरह मुझे सजेस्ट कर सकते हो, जिससे मैं अपना हेयर कट कर पाऊँ। इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से इस तरीके से बालों को मैंने रखा है, गर्दन को इस तरीके से किया है अपनी बेटी के, और यहाँ से मैं कट कर रही हूँ। और ये देखिए इसका मुँह, कि इतना सारा मम्मी ने बाल कट कर दिया, तो बोल रही थी मम्मी मत कट करो, बट बहुत ज़्यादा इसका हेयर फॉल हो रहा था। वैसे हमने अभी शिफ्टिंग की है नोएडा में, तो शायद पानी वानी के चेंजिंग की वजह से भी हेयर फॉल होता है, और थोड़ा सा अभी भाग दौड़ से बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पा रही थी, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से कैल्शियम मिनरल्स की कमी की वजह से भी बाल बहुत गिरने लग जाता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे सेटलमेंट अच्छे से हो गया है, मेरा भी बाल झड़ना रुक रहा है और बच्चों पे भी पूरा अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। आपको वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप डालते जाऊँगी। तो इस तरीके से कट कर दिया है, अब दूसरी साइड का भी बाल कट करेंगे। ये भी पीछे का बड़ा लग रहा है, लेकिन और छोटा करना है 1 से 2 इंच, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो दूसरी साइड का भी सेम उसी तरीके से कट करेंगे जैसे हमने पहली साइड का कट किया था, हाफ बाल इधर ले लेंगे और अच्छे से कॉम करेंगे। तरीके से सारे बालों को लेके कॉम करते जाएंगे, हाफ बालों को इधर ले लेंगे और फिर ईयर के पास से इसको भी कट करेंगे। इस तरीके से बालों को लिया है, ऐसे ही आप घर पे कट कर सकते हो, अगर पार्लर नहीं जाना है, बच्चों के बाल कट करने हैं तो इस तरीके से कट कर सकते हो। स्कूल जाने वाली लड़कियों के लंबे बाल ज़्यादा अच्छे नहीं लगते और कंफर्टेबल भी नहीं रहता है, तो छोटे बाल रहेंगे तो फटाफट वो रेडी होकर स्कूल भी जा सकती हैं, और लंबे बालों में बच्चियाँ भी बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती है। इसके भी काफ़ी ज़्यादा बाल बढ़ गए थे और इसका मैं अभी कट कर रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से कट कर दिया, अब इसको सेट करेंगे कटिंग कर करके प्रॉपर। ये बोल रही थी मम्मा इतने छोटे बाल कर दिए, ये देखिए कहीं कहीं से बड़ा है छोटा है, तो उसको एक लेवल पे कट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेंटर से थोड़े से बाल इस तरीके से लूँगी, इस तरीके से फिंगर पे पकड़ेंगे, बैक से थोड़ा इस तरीके से कट कर देने से कितने भी कर्ली बाल हो अच्छे से सेटल हो जाते हैं। और ऐसे नहीं कट करना है तो भी मैं बताऊंगी एक प्रॉपर तरीका, जिससे कि बिल्कुल सिंपल इजी वे में आप अच्छे से बालों को मैनेज कर सकते हो और अच्छे से कट कर सकते हो। तो ये जो थोड़ा लंबा है, इसको मैं इस तरीके से कट कर पकड़ रही हूँ फिंगर में और इसको कट कर दूँगी।
कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसको अच्छे से कॉम करेंगे। ये देखिए, ये जो बाल एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे और धीरे धीरे सारे बालों को इसी तरीके से कट करते जाएंगे और पूछा पूरा बराबर एकदम मतलब स्ट्रेट करेंगे पूरा फ्रंट से लेके बैक तक। तो इस तरीके से कॉम करते जाएंगे और थोड़े थोड़े बालों को कट करते जाएंगे। बच्चों के हेयर कट करने में बहुत दिक्कत होती है बड़ों के मुकाबले, क्योंकि बड़ों को जैसे बोल दो वैसे वो अपना सिर रख लेते, लेकिन बच्चों का बार बार इधर से उधर करना पड़ता है। तो इस तरीके से और भी ध्यान भी देना पड़ता है कहीं कैंची ना लग जाए। मेरे पास ट्रिमर नहीं था, आप गर्दन पर ट्रिमर मार दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, जो छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं। वैसे कैंची से भी निकल जाता है, ट्रिमर नहीं मारना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कॉम से इस तरीके से कर करके जितने भी एक्स्ट्रा हेयर निकल रहे हैं उनको कट करते जाएंगे। ओके, ये मेरा बेटा इधर उधर आ रहा था जिसकी वजह से परछाई से अंधेरा आ रहा था, तो मैंने उसको बोला तो वो हट गया। ये देखिए, इस तरीके से पूरा कट करते जाएंगे बिल्कुल बराबर में, और इसको तुरंत मैं नहला दूंगी कटिंग करने के तुरंत बाद ही। ये देखिए, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पूरा बराबर धीरे धीरे करते हुए कट करेंगे ईयर के पास से। बच्चों की कटिंग करते टाइम थोड़ा सा सावधानी का ध्यान रखिए, कहीं कैंची वैंची ना लग जाए, बच्चे हिलते बहुत ज़्यादा हैं तो बिल्कुल टाइम लग जाए, लेकिन बिल्कुल सेफ्टी से बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कट करना है आपको। तो इस तरीके से कॉम कर करके मैं चेक कर रही हूँ कहीं से छोटा बड़ा बाल तो नहीं रह रहा, जहाँ भी रह रहा है उसको आप कट कर दोगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जब तक ये हेयर निकल रहे तब तक आपको कट करते ही जाना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैं कट करते जा रही हूँ। फ्रंट के हेयर को किस तरीके से करना हो बता रही, फ्रंट में ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और मुंह पे बाल आता है तो बहुत इरिटेशन होता है, तो इस तरीके से रखेंगे और कान के पीछे बालों को ला के देखेंगे कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, और जहाँ से भी आपको लगे हल्का सा भी छोटा बड़ा उसको आप कट कर दोगे। कुछ इस तरीके से कॉम करेंगे और यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे, और दूसरी साइड भी ईयर को ईयर के पास इसी तरीके से कट करेंगे और ईयर के पीछे लाएंगे बालों को। ओके, और इस तरीके से फिंगर से पकड़ के जितना भी एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे वो कट कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट हम जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई, एक बार चेक कर लेंगे साइड पार्टीशन करके। कभी भी आप कटिंग कर रहे हो तो मिडिल पार्टीशन से ही करोगे, बाद में आप साइड पार्टीशन कर दो, क्योंकि आप अगर साइड पार्टीशन से कट कर दोगे तो आप जब दूसरी साइड वो वाले बाल डालोगे तो वो जो छोटे बड़े दिखने लग जाते हैं, इसलिए मिडिल पार्टीशन से कट करने के बाद आप उसको साइड से कर सकते हो। तो ये हमारा हेयर कटिंग जो है वो कम्प्लीट हो गया है, और ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ फोल्ड हो गया है। कर्ली बाल है मेरी बेटी के, फिर भी मतलब अच्छे से कट हो चुका है और ये मुड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से रहेंगे ऐसे ही मैनेज। आप चाहो तो ब्लो ड्राई भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ब्लो ड्राई नहीं किया था। दिस इज़ द फाइनल लुक हेयर कट की, ऐसे ही मैंने बोला इसको इस तरीके से करके देखो ताकि कहीं से छोटे बड़े तो नहीं दिख रहे, तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, कितना भी हिलाए डुलाए कहीं भी खेले कूदे बाल जैसे कट हुए हैं वैसे के वैसे रहेंगे। तो आप देख सकते हो, और ये इसको मैंने फटाफट नहला दिया था क्योंकि बाल से इसको हो रहा था इरिटेशन, लेकिन कटिंग बहुत अच्छी हो गई है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स बताइएगा। तो ये लास्ट में बोल रही थी कि प्लीज़ मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, देखिए बाय करके जा रही है, अब बोलेगी बाय बाय।
एक बार इसका लुक देख लो आप, तो कैसा लग रहा है कटिंग आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा जल्दी मेरे मामा के चैनल को। ये देखिए इतने सारे हेयर इसके कट हुए थे जो मैंने फर्स्ट पे दिखाए आपको। मेरी बेटी थी, इसका फाइनल लुक आपने देख लिया, कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हेयर कट के बाद और मेरे को कोई अच्छा सा हेयर कट सजेस्ट कीजिए। बहुत शॉर्ट तो मैं नहीं कर सकती, बट जो मेरे चेहरे पे सूट करे। और मेरे बाल भी काफ़ी रफ एंड ड्राई हो गए थे, बट अब काफ़ी हद तक ठीक है और धीरे धीरे मैं मैनेज कर रही हूँ, ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा विटामिन एंड कैल्शियम की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे बाल रफ एंड ड्राई हो गए थे। बालों में कुछ भी बहुत ज़्यादा लगा लो, जब तक आप अंदर से सही नहीं होते हो तब तक आपके बालों का जो ग्रोथ होता है, साइन होता है, वो नहीं आ पाता है। कुछ भी ट्रीटमेंट करा लो तो अंदर से हेल्दी होना जरूरी है। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अंदर से हेल्दी करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन एंड हेयर दोनों ही बहुत अच्छे दिखते हैं। तो हेयर कट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्यूटी पार्लर कोर्स रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मेरे चैनल पर डे बाय डे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।